खाने के लिए कुछ बाहर से अतिथि आए हैं। भाजपा की तरफ से नामांकन एक अतिथि कर करके गए हैं, यह बात आप जान लीजिए। तो गिरिराज जी अतिथि हैं कि नहीं है? कहां से आए हैं? कौन पार रहे छो बेगूसराय में? वोट देवो लखीसराय में की नहीं? ना जोर से बोलो। भैया गले आप गिरिराज जी हृदय से थे दोस्तों। हमारे जो अतिथि आए हैं बाहर से, साथी जिग्नेश मेवानी, शहला राशिद, रामा नागा, तीस्ता शीतलवार, नजीब की अम्मी फातिमा नफीस और कई ऐसे लोग जो यहां पर बोल नहीं रहे हैं। साथी गुरमेहर ने अपनी बात रखी है, लेकिन आपके ही जिले की पटना यूनिवर्सिटी की पूर्व जनरल सेक्रेटरी साथी अंशु आई हुई है और जेएनयू एसयू की अभी की जो उपाध्यक्ष है सारिका चौधरी, वो भी बिहार की ही बेटी है, वो भी आई हुई है। और ऐसे कई लोग आए हुए हैं जो मंच पर हैं लेकिन अपनी बात नहीं रख रहे हैं। कई ऐसे लोग हैं जो नेपथ्य में हैं, मंच के पीछे हैं, अपनी बात नहीं रख रहे हैं। उन तमाम लोगों का मैं क्रांतिकारी इस्तकबाल करता हूं, उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूं बेगूसराय की इस क्रांतिकारी धरती पर। दोस्तों आप सब जानते हैं कि अपने जिले में, अपने लोकसभा क्षेत्र बेगूसराय में 29 तारीख को चुनाव होने वाला है। अब देखो गजब संजोग छे, जय दिन गिरिराज जी गलखी नामांकन भरल ना, ओहि दिन टप टपिया रौदा रहे। आ जै दिन हमे रहिए भरल ओहि दिन मौसम सुहाना भए गेल। हमरा तो डर लगै छै कि कहीं गिरिराज बाबू ही नहीं कह दथिन कि भगवान इंद्र भी देशद्रोही हो गए। दोस्तों ये इस बात का संकेत है कि बेगूसराय जिले में कुछ बेहतर होने वाला है। होगा कि नहीं होगा? हम समझते हैं कि हम चुनाव लड़ लिए, अपना नामांकन करते ही हमारा परिणाम निकल गया, हम नैतिक रूप से यह चुनाव जीत चुके हैं। लेकिन चुनावी रूप से इस चुनाव को आप लोगों को जीतना है। जीतिएगा कि नहीं जीतिएगा? और यही बात है जिस बात पे हमको सबसे ज्यादा ध्यान पूर्वक सोचने की जरूरत है कि ये कौन सा चुनाव है, इस चुनाव की खासियत क्या है, ऐसा क्या हुआ है कि इतना कैमरा नहीं, गली कुचा नुक्कर खेत खलियान बस ट्रेन, इतना कैमरा बेगूसराय में घूम रहा है, क्या हुआ है? कन्हैया कुमार नहीं, कन्हैया ना बेगूसरैया, कन्हैया ना बेगूसरैया। ये कन्हैया की जीत नहीं है, ये कन्हैया की खासियत नहीं है, ये कन्हैया की विशेषता नहीं है, ये उस मिट्टी की विशेषता है जिस पर पैदा होने का सौभाग्य आप तमाम लोगों को प्राप्त हुआ है। ये धरती रामधारी सिंह दिनकर की धरती है, ये धरती स्वतंत्रता सेनानी रामचरित्र सिंह की धरती है, ये धरती महान किसान मजदूर नेता चंद्रशेखर सिंह की धरती है, ये धरती भूमि संघर्ष के नेता सूरज नारायण सिंह की धरती है, ये धरती भूमि संघर्ष के महान योद्धा रामचंद्र पासवान की धरती है, ये धरती वीर सपूतों की धरती है, ये धरती विद्वानों की धरती है, ये धरती महान इतिहासकार राम शरण शर्मा की धरती है। इस धरती पे पैदा होना एक गर्व की बात है। इस धरती को, इस मिट्टी को हम नमन करते हैं और हम इस बात को स्वीकार करते हैं कि अगर बेगूसराय खून पान नहीं होते रहो
तो मोदी जी से लड़ा सकती है और ये तर लड़े मां पुलिस हुनकर सरकार हुनकर राष्ट्रपति हुनकर उपराष्ट्रपति हुनकर आ मीडिया घूमे छथुन ई बात नहीं बोले के कोनो कोनो बात घूमे घूम चुपे चुप मन में रखा है तो सब कुछ हुनकर आ तैयो हम केना लड़ रहिए हैं केकरा बदौलत केकरा बदौलत तो बेगूसराय जिंदाबाद अरे बेगूसराय की जनता जिंदाबाद। यही जो आपका जोश है यही जो आपका आशीर्वाद है यही जो आपकी दुआ है यही जो आपकी मिन्नत है उस मिन्नत में इतनी ताकत है कि तमाम चीज होने के बावजूद आज मोदी जी की नाक बेगूसराय में आकर के फंस गई है। फंसी है कि नहीं फंसी है? एक बेर एलखिन हन एक बार आ रही थुम देखत रहो तोरो मन मनन छ। अच्छा ऐसा आज तक होले हो कि पटना मेट्रो फिटा बेगूसराय से काटल गेल हुए किया हो रहले हैं? इज्जत दाव पर लगल छन प्रधानमंत्री के नहीं एगो कहावत सुन लो है ठेठीम जी कहे छे नंगा नहाएगा क्या निचोरेगा क्या। इज्जत ओकर ना जेकरा हुए तोरा मन में कहीं को इज्जत बचलो है? जे आदमी खरे खरे गाय गिर जाए ओकरा बारे में तोरा मन में कोई इज्जत बचतो? कह के सामने से कोई झूठ बोल के ठग लिया कि 15 लाख आएगा 2 करोड़ नौकरी पैदा करेंगे अच्छा दिन लाएंगे आ सूट पिन्ह का आ चश्मा लगाए का आ बास्को डिगामा नियर दुनिया घूम रहा थी। तो गिरिराज बाबू चाहे छथिन मोदीये जी के माला जीप जब बेगूसराय चुनाव जीत जाइए। एक बात हमरा सोच के बतब हमें काल के लिए घूमे लगो गांव में तो हमरा एगो आदमी पूछल थीन कि कश्मीर के संबंध में आप क्या कहना चाहते हैं? हम कहलिए कश्मीर बड़ बढ़िया जगह है खूब सुंदर पहाड़ सुंदर सुंदर लोग बढ़िया बर्फबारी अखरोट बादाम। नहीं नहीं हम ये कह रहे हैं कि 370 हटना चाहिए कि नहीं हटना चाहिए। हम कहलिए देख भाई पहले आप हमको ये बताइए बेगूसराय में नया विश्वविद्यालय बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए। पहले आप हमको ये बताइए कि बेगूसराय में एम्स बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए। पहले आप हमको ये बताइए कि बेगूसराय में IIT बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए। पहले आप हमको ये बताइए कि बेगूसराय में और नई फैक्ट्री खुलनी चाहिए कि नहीं खुलनी चाहिए। कोना कोना कौन कोना सोतली पुतौ बुधियारी हमरे जर बुधियारी कका ई बुधियारी सिखबे छथिन हमरा बेगूसराय में आए कह रहलखिन हन कि देश बचाने के लिए वोट कीजिए। तो बेगूसराय में अभी हम आय करे रहिए तो मेन मार्केट में कत्ते जगह नाला बहव करे रहे तो भारत में छे कि पाकिस्तान में भारत में छे हो तू नाला के बने थीन मोदी बने थीन उ नाला बनवे की जिम्मेवारी गिरिराज जी लेके अलखिन है छे कि नहीं? लेकिन हकीकत जान लो बिहार के ज्यादातर MP का सांसद निधि का पैसा वापस लौट जाता है उससे वो कोई विकास का काम नहीं करते हैं। और पिछले लोकसभा में जो MP चुन करके आए हैं उसमें 150 MP ऐसे हैं जिनकी संपत्ति दोगुनी हो जाती है। मतलब नेता मोटाए जाए छै भर ढीर खा ले छै आ तब कहे छै थोड़ा योगा कर लेंगे ना पेट ठीक रहेगा।